दोस्तों, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हमारी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ विटामिन्स की, कुछ मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है। और यह जो विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, यह हमारे खाने पीने से हमें मिलते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे आज जिंक की। जिंक जो होता है एक ट्रेस मिनरल होता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में इसकी हमें डेली नीड होती है, इसकी ज़रूरत होती है। और यह पुरुषों के लिए स्पेशली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुषों के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए जिंक का क्या रोल है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जिंक बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो कि खाने से आपको जिंक की जो डेली नीड है वो आपको पूरी करने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों, जो जिंक है पुरुषों में स्पेशली आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी मददगार होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा महिलाओं में भी उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। दोस्तों, जो अगर डेली नीड की मैं बात करूं तो डेली नीड जो अगर मेल्स के लिए हम बात करें तो मेल्स के लिए 11 मिलीग्राम पर डे डेली नीड इसकी जो ज़रूरत होती है जिंक की, और महिलाओं में फीमेल्स के अंदर इसकी 8 मिलीग्राम डेली इसकी हमें नीड होती है, जो कि हमें खाने पीने की चीज़ों से आसानी से पूरी हो जाती है। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। अब हम बात करते हैं अगर सबसे पहले कि अगर जो जिंक है, जिंक ऐसी कौन कौन सी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो कि जिंक पे डिपेंड करती है, जिंक से उसकी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पुरुषों पर इसके इफेक्ट की। तो पुरुषों में जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिंक। अगर हमारी बॉडी में पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता, संतानहीनता से वो ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा जो पुरुषों के स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसके साथ साथ उसकी जो सीमन के वॉल्यूम को इम्प्रूव करने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए जिंक जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि अगर हमारे डेली अगर हमारे खाने पीने में हमारे जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो हमें इनफर्टिलिटी की, पुरुषों में इनफर्टिलिटी की शिकायत आ सकती है, संतानहीनता की शिकायत आ सकती है, या उनमें शुक्राणुहीनता है जिसको बोलते हैं एजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, यानी या उनकी जो स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है उसमें कमी देखने को मिलती है। दोस्तों, जो जिंक होता है इसके अलावा भी पुरुषों के अंदर फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और उसके साथ साथ महिलाओं में भी इतना ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। महिलाओं में भी जो एग्स होते हैं, उनके अंडे होते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जिंक। इसके साथ साथ ही जिंक जो होता है, जिंक पुरुषों के लिए और भी कई खास रोल प्ले करता है। स्पेशली पुरुषों में ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यह 50 साल की एज के आसपास आते आते इसकी जो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और वह अक्सर पुरुषों में परेशान करती है। उनको यूरिन में उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, यूरिन के रास्ते में रुकावट करना शुरू हो जाती है और उसके अलावा और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो कि जिंक अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो जिंक आपके प्रोस्टेट ग्रंथि के जो इस तरह से एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, अगर इस तरह की जो शिकायत होती है उसके खतरे को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है जिंक। इसके अलावा जिंक जो होता है, जिंक कई ऐसी एंजाइम की जो रिएक्शंस होती है बॉडी के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, वह भी एंजाइम की जो इस तरह की रिएक्शंस होती है पूरा करने के लिए भी जिंक की एक बहुत ही कम मात्रा की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ही बॉडी को जो DNA सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर होता है, जो डैमेज होता है, जो सेल्स को वापस से उसको रिपेयर करने के लिए, बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, और आपके उसके साथ साथ ही आपकी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है जिंक। यानी जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है या उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं, तो इस तरह के जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने में भी जिंक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि हम लोग अगर हमारे खान पान का ध्यान रखें तो अपनी डेली नीड को हम लोग आसानी से इसका पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो गए जो कि जिंक हमारी बॉडी के लिए पूरा करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिर जो जिंक है, जिंक की जो हमारी बॉडी की जो डेली नीड है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी खाने पीने की जो चीज़ें हैं
जो कि हम अगर ऐड करते हैं तो हमारी जो डेली नीड है उसको हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था जिंक हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में इसमें आपको एप्रिकॉट, एवोकाडो, अमरूद, ब्लैकबेरी, इसके अलावा रेसबेरी और भी इसके अलावा कई चीज़ें होती है जैसे कि पीच, कीवी, डार्क चॉकलेट्स, यह जो खाने पीने से आप अपनी जो जिंक की डेली नीड है उसको पूरा करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सब्जियों की, तो सब्जियों में मशरूम, गार्लिक, इसके अलावा पालक, एस्पेरेगस, इसके अलावा ब्रोकली, भिंडी, यह कुछ खाने पीने की जो चीज़ें होती है, जो सब्जियां होती है, जो कि आपकी डेली नीड को पूरा करने में आपकी काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा अगर बात करें दालों की, तो दालों में स्पेशली जो फली वाली जो दालें होती है जैसे कि राजमा हो गया, या हम बोलते हैं बीन्स अगर है, बीन्स, मटर, यह भी जो होती है यह भी आपके जो जिंक की नीड को पूरा करने में मदद करती है। इसके अलावा मसूर की दाल जो होती है वह भी जिंक से एनरिच होती है, और जो जिंक होती है जिंक की डेली नीड को पूरा करने में हमें काफ़ी मदद करती है मसूर की दाल। दोस्तों यह इसकी कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं उसमें स्पेशली काजू और अखरोट, यह भी जो होते हैं ये जिंक की डेली नीड को पूरा करने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। अब बात करते हैं अगर हम नॉन वेजिटेरियंस के लिए, तो नॉन वेजिटेरियन में रेड मीट जो होता है वह इसमें काफ़ी मददगार होता है, जिंक का एक अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा सी फूड जो होते हैं वो जिंक के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं, स्पेशली ऑयस्टर जिसको हम बोलते हैं सीपी, यह जो होता है ऑयस्टर या सीपी जिसको हम बोलते हैं, यह जो होता है यह जिंक का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और जिंक की हमारी डेली नीड को पूरा करने में हमें काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा दूध में, चीज़ में, अंडे में, इसमें भी कुछ मात्रा में जो जिंक है जिंक पाया जाता है और वो जिंक अपनी डेली नीड को पूरा करने में हमें हेल्पफुल होता है। दोस्तों यह इस तरह से आप अपने खाने पीने में बदलाव करके, खाने पीने की जो ये चीज़ें हैं वो ऐड करके आप अपनी डेली जो जिंक की नीड है उसको पूरा कर सकते हैं और अपने शरीर को इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर हो रही है, या आपके फर्टिलिटी आपको प्रभावित हो रही है, शादी को लंबा समय हो गया है, इनफर्टिलिटी की शिकायत है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एजियोस्पर्मिया की शिकायत है, शुक्राणुहीनता है या आपको शुक्राणु कमी है, ओलिगोस्पर्मिया की शिकायत है, या शुक्राणु जो है जितने मोटाइल होने चाहिए उतने नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है जिंक। और इसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपको इस तरह की जो समस्याएँ होती है लाइक इनफर्टिलिटी या जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों में अगर नपुंसकता है और पुरुषों में अगर संतानहीनता की शिकायत है, स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या उसमें जो उनका जो काउंट्स है या उनकी जो मोटिलिटी है जितना होना चाहिए उतनी नहीं है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी डेवलप हो गई है, तो ऐसी चीज़ों को दूर करने में, ऐसी बीमारियों को दूर करने में, महिलाओं में एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, इनफर्टिलिटी को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि अगर आप अपने अपने खान पान के साथ साथ आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो अपनी इस तरह की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके चल सकते हैं। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है जिंक के बेनिफिट्स के बारे में, और इसके अलावा जिंक आप अपने खाने पीने से कैसे इसकी डेली नीड को पूरा कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपके साथ में शेयर किया कि अगर आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो आप किस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन आपको इसमें हेल्प कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।